So today we are going to discuss post-fertilization events, and post-fertilization events में हम discuss करेंगे formation of seed पहले, और फिर उसके बाद हम discuss करेंगे fruit formation. ठीक है, तो उसी के साथ हमारे post-fertilization events आज खत्म हो जाएंगे. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं post-fertilization events के, एक मिनट आप बताइए, आपको स्क्रीन पे सिर्फ स्लाइड दिख रही है या स्लाइड नंबर दिख रहे हैं, स्लाइड 1, 2, 11 ये सब दिख रहा है या सिर्फ स्लाइड दिख रही है? ओके ओके, अच्छी बात. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. और आपको पता होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो कि अकर होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पोस्ट मतलब होता है आफ्टर. ठीक है, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम जानेंगे सीड फॉर्मेशन के बारे में, कि सीड कैसे कैसे फॉर्म होता है. ठीक है ना, एक सीड के अंदर देखो एम्ब्रियो होता है. सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है. एक सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी होता है, सॉरी हाँ एंडोस्पर्म होता है, या तो एंडोस्पर्म मिलेगा या फिर एंडोस्पर्म के बजाय वहां पे कॉटिलेडॉन्स मिलेंगे. ठीक है ना, कॉटिलेडॉन्स मिलेंगे. तो मुझे बताओ एम्ब्रियो कौन सी स्टेशन से फॉर्म हुआ है? मॉर्निंग, हाँ जी बताइए, एम्ब्रियो कौन सी स्टेशन से फॉर्म हुआ है? Zygote. हाँ जी, एम्ब्रियो फॉर्म होता है जायगोट से. और एंडोस्पर्म किससे फॉर्म हुआ है? एंडोस्पर्म किससे फॉर्म होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN. ठीक है, अच्छा कौन सी प्रोसेस से एम्ब्रियो बनता है? एम्ब्रियोजेनेसिस. हाँ, एम्ब्रियोजेनेसिस तो बनता है. देखिए ये जायगोट, सॉरी हाँ जायगोट कौन सी प्रोसेस से बना? फर्टिलाइजेशन, जिसको सिनगेमी बोल सकते हैं. ठीक है, अच्छा और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किससे बना? ट्रिपल फ्यूजन. हाँ ये बना है ट्रिपल फ्यूजन से. तो ये बातें हैं जो आपने याद रखनी है. तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर सीड फॉर्मेशन. ठीक है ना, तो सीड फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है? ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो भी होता है और एंडोस्पर्म मिल सकता है या फिर कॉटिलेडॉन्स मिल सकते हैं. फंक्शनल एंडोस्पर्म जिस सीड के अंदर मिलता है ऐसी सीड को क्या बोलते हैं? मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा, मोनोकॉट. हाँ मोनोकॉट्स के अंदर मिलता है, अच्छी बात है, ये मोनोकॉट्स के अंदर मिलेंगे. लेकिन इन सीड को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर इनको एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था. ठीक है, अच्छा कॉटिलेडॉन्स फंक्शनल दिखेंगे, वो दिखेंगे डाइकॉट्स के अंदर. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक. अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सीड्स. सीड्स होते क्या एक्चुअल में? ओव्यूल से ही तो सीड बनता है. तो राइपंड ओव्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? सीड बोल सकते हैं. ठीक है ना, ऐसे ही राइपंड ओवरी को क्या बोलेंगे? क्योंकि ओवरी से क्या बनता है? हाँ जी, राइपंड ओवरी से क्या बनता है? हाँ जी फ्रूट. तो याद रखना राइपंड ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट. क्लियर है? और राइपंड ओव्यूल से सीड बन गया. अब देखो जो इंटेगुमेंट है इस सीड के, इंटेगुमेंट्स वो क्या बना देते हैं? सीड कोट बना देते हैं. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टेबल में. अच्छा, जो कि आउटर इंटेगुमेंट होता है वो सीड की आउटर लेयर बनाता है, जिसको टेस्टा बोलते हैं. और जो अंदर वाली लेयर होती है, मतलब जो अंदर वाला इंटेगुमेंट होता है, वो टैगमैन बनाता है. ठीक है, अच्छा लीची किस किस ने खाई है? ऑब्वियसली सभी ने खाई होगी लीची. Yes, अच्छा तो देखो सीड कोट जो होता है ना सराउंड करता है एम्ब्रियो को. ये एम्ब्रियो को सराउंड करते हैं. दो इंटेगुमेंट्स मिलते हैं नॉर्मली, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाता है, इनर इंटेगुमेंट टैगमैन बनाता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि लीची का केस है. लीची केस में क्या होता है
एक और एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। उस थर्ड इंटेगुमेंट को हम एरिल बोलते हैं, ठीक है ना। उस थर्ड इंटेगुमेंट क्या बोलेंगे, एरिल बोलेंगे। जो ये नहीं है, सिर्फ लीची में मिले, पिथेकोलोबियम और एस्फोडेलस और ट्राइएंथेमा, ये भी कुछ एग्जाम्पल है जिनके अंदर एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट देखने को मिलता है। और वो जो एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट है वो फॉर्म जो स्ट्रक्चर करेगा उसको हम एरिल बोलेंगे, ठीक है ना। और एरिल क्या होता है, ये जो वाइट रीजन है, ये जो वाइट रीजन है जो एडिबल है, हम एरिल को ही खाते हैं। सॉरी गाइस, क्लियर है। इसके बाद सीड्स के बारे में और जानते हैं। यहां तक हमने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, ठीक है, और ये हमने और जाना, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं फ्यूनिकल, जो ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल था उससे क्या बनता है। तो फ्यूनिकल जो कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल था, वो स्टॉक ऑफ सीड बना देता है। आपको याद होगा फ्यूनिकल कैसा है, देखिए ये जैसे कि ओव्यूल है, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है ना। ये फ्यूनिकुलस है, सिंगुलर फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल है और ये जिनको अब मैं लाइन से एक्सटेंड कर रहा हूं, ये इंटेगुमेंट्स हैं, आप जानते हो इनके बारे में, ठीक है। तो फ्यूनिकल क्या बनाता है, जो कि फ्यूनिकल कहलाता है स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ये भी फ्यूचर में क्या बना देगा, स्टॉक ऑफ सीड बना देगा, ठीक है, स्टॉक ऑफ सीड। अब हमें सीड के अंदर कहीं तो स्टॉक दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो स्टॉक है ये विदर हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है सीड से, और एक स्कार छोड़ देता है, एक धब्बा छोड़ देता है, जिसको हम हाइलम बोलते हैं। उस धब्बे को हम हाइलम बोलेंगे, ठीक है ना, जिस धब्बे को वो छोड़ जाएगा। देख लीजिए डायग्राम में, देख लीजिए, ये आप स्कार देख पा रहे होंगे डायग्राम में, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। ऐसी सीड देखे होंगे, बीन्स की सीड, स्कार दिख रहा है, मूंग की सीड में भी देखा yes. होगा। तो ये जो देखो एक्चुअल में क्या था, ये जो सीड थी ना, यहाँ पे जहाँ पे स्कार बना हुआ है, यहाँ पे पहले एक स्टॉक था जैसे फ्यूनिकल था, लेकिन ये विदर हो जाता है, ये अलग हो जाता है इससे। तो जब ये अलग होगा तो एक धब्बा छोड़ जाएगा, एक स्कार छोड़ जाएगा, स्कार मतलब धब्बा होता है, ठीक है। तो उसी को हम हाइलम बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसी सीड आपको दिखाऊं और पूछ लूं कभी भी पीपीटी दिखा करके स्कूल में, तो आपको बता देना है कि सर ये जो धब्बे वाला रीजन है इसको हाइलम बोलते हैं, और हाइलम कैसे फॉर्म होता है पता चल गया ना आपको। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, yes, sir. ठीक है ना। अच्छा, अब जो ये एंटीपोडल सेल्स हैं और सिनर्जिड हैं, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट से, ठीक है। अब जो न्यूसेलस है, देखो मैंने आपको बताया था न्यूसेलस क्या होता है। इस ओव्यूल के अंदर यहाँ जो फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे न्यूसेलस होता है, ठीक है ना, एक मास ऑफ सेल जो कि न्यूट्रिटिव होता है, तो यहाँ पे न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पहले तो। अब किसी किसी सीड में ये न्यूसेलस लास्ट तक दिखता है, हालांकि न्यूसेलस कब खत्म हो जाता है, कब तक खत्म हो जाता है, न्यूसेलस आपके फर्टिलाइजेशन से पहले तक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और फिर एंडोस्पर्म की बारी आती है, याद रखना एंडोस्पर्म और न्यूसेलस का अलग अलग केस है। हालांकि सिमिलरिटी ये है कि एंडोस्पर्म भी नरिशमेंट देता है और न्यूसेलस भी नरिशमेंट देता है, ठीक है, न्यूसेलस। अब किसी सीड में अगर न्यूसेलस परसिस्ट कर रहा है लास्ट तक, अगर किसी सीड के अंदर हमें न्यूसेलस दिख रहा है, तो ऐसी सीड को हम बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। ऐसी सीड को हम कौन सीड बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। और किसी के अंदर एंडोस्पर्म दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड। अभी आ रहा है आगे एल्ब्यूमिनस सीड का कॉन्सेप्ट, लेकिन पहले मुझे तुम्हें ये बताना था कि पेरिस्पर्मिक सीड कौन सी होती है। ऐसी सीड जिनके अंदर न्यूसेलस दिखता है, ठीक है, देख लीजिए ना डायग्राम देख लो। देखो बीट, बीट एक ऐसी सीड है जिसके अंदर आप देखिए न्यूसेलस दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एंडोस्पर्म है, ठीक है, और ये है पेरिस्पर्म। ये जो पेरिस्पर्म बोला गया है ये एक्चुअल में न्यूसेलस ही है,
ठीक है, तो ऐसी सीड को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड बोलेंगे। क्लियर है यहां तक डायग्राम्स के साथ? देखो पीपीटी का ये फायदा है, हम डायग्राम्स के साथ समझ पाते हैं चीजों को। समझ में आ गया पेरिस्पर्मिक सीड कौन सी होती है? या तो देखो न्यूसेलस उसके अंदर से डिसअपीयर हो जाएगा, या फिर उसके अंदर परसिस्ट भी कर सकता है, दिख भी सकता है। कौन सी फॉर्म है? पेरिस्पर्म की फॉर्म है। सर ये किस केस में डिसअपीयर होता है और किस केस में ये परसिस्ट हो जाता है? नॉर्मल जो केस है, मेजॉरिटी ऑफ जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर ये डिसअपीयर रहता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, मतलब इस नरिशमेंट का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा आप वो जानते हो बासी खाना? जानते हो बासी खाना जो कल का बना हुआ खाना होता है? Yes, sir. अच्छा, yes, sir. आपके पास एक कटोरा दान है घर में, उसमें रोटियां रखी हुई हैं, ठीक है, रोटियां रखी हुई हैं। अगर आप इन रोटियों को तुरंत खा जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है खत्म हो जाएंगी सभी। ठीक है, अब तो ये ताजा खाना खाया था आपने, तब मैं इसको न्यूसलेस बोल रहा था, लेकिन मान के चलो इस कटोरा दान में जो आपका ये बके ये जो जिस बर्तन के अंदर आप इसको रखते हो, तो अगर ये खाना बच जाता है तो इसको आप क्या बोलोगे? बासी खाना बोलोगे। तो ऐसे ही पेरिस्पर्म बोलेंगे हम उसको। ठीक है, अगर ये खत्म यूज में आ जाएगा पूरा, तब तो कोई बात नहीं, तब तो वो हमें दिखेगा नहीं इसके अंदर, फ्यूचर में रोटियां नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दे दो थोड़ा सा भी, तो उसको बासी खाना बोलेंगे। उस बासी खाने को आप पेरिस्पर्म मान लीजिए। समझ गए? क्लियर है? हाँ, और इस yes, इस कंटेनर yes, को आप सीड मान लीजिए। क्लियर है? yes, चलो yes, चलो जी आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड की, इस सीड के कितने टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म बात कर रहा हूं मैं, आप खुद बताएं। मैंने आपको कहीं डिस्कस किया था, बताइए एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे कितने तरह की सीड है। अभी अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था एंडोस्पर्मिक सीड, मोनोकोट्स। हाँ, एंडोस्पर्मिक सीड और कॉटिलेडन्स नॉन एल्युमिनस, है ना। अभी तो आपको धुंधले से कॉन्सेप्ट याद है, अब इनको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखो सबसे पहला आता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, आप इसको एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो जो ये सीड है ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में ये पूरे एंडोस्पर्म को यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, हेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो द फूड स्टोर्ड अप इन एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली एग्जॉस्ट, उसको कंप्लीटली यूज ले जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में। वही केस आ गया कि हमने पूरे ताजा जो खाना था वो खा लिया है, अब कुछ नहीं बचा है, तो उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो सीड ऑफ ग्राम है, जो पी है, बीन है और किड्स है, इन सभी सीड्स को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। आप यहां देख सकते हो, ये मैंने बीन की सीड यहां पे आपको दिखाई है, इसके अंदर में कहीं भी एंडोस्पर्म नहीं है, लेकिन कॉटिलेडोन जरूर दिखेगा। आपको ये बात भी याद रखना है कि इनके अंदर कॉटिलेडोन्स दिखेंगे जो कि उनको नरिशमेंट देंगे, और वो मैंने आपको बता दिया था जब मैं एम्ब्रियोजेनेसिस बता रहा था, और जब मैंने आपको सीड बताया था कि क्या डिफरेंस है इन दोनों की सीड्स में, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की। क्लियर है? अच्छा, आपको ये तो याद ही रहेगा कि डाइकॉट्स के अंदर दिखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, किसी भी इंसान को कोई भी दुविधा हो तो बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड की। तो एंडोस्पर्मिक सीड वो होंगी जिनके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा, दिखेगा, और ऐसी सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। तो हेयर एंडोस्पर्म ग्रोज विगोरसली, इस केस में एंडोस्पर्म ज्यादा ग्रो करता है और उसको पूरा यूज नहीं कर पाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख हाँ सॉरी, इनके जो कॉटिलेडॉन्स हैं वो थिन होते हैं। क्या बोलते हैं मोनोकॉट्स के कॉटिलेडॉन्स को? मैंने टर्म बताई थी, स्कूटेलम। हाँ, स्कूटेलम। ये बात तुम टिप्सों पे याद रखते हो, इसीलिए मजा आता है पढ़ाने में। स्कूटेलम, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम बोलते हैं, ये खुद से नरिशमेंट देता नहीं है, ये नरिशमेंट कहाँ से पास करता है? जो ग्लूकोस
जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला एंडोस्पर्म है वहां से पास करता है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है इसका सीड ऑफ वीट, बार्ले, कैस्टर और पॉपी। पॉपी जानते हो सभी? पॉपी हम अफीम को बोलते हैं, ठीक है, ये नशीला पदार्थ है। अच्छा अब यहाँ देख सकते हो, ये मैंने मेज की सीड दिखाई है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये तो हो गया इसका जर्म और ये हो गया इसका एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये है पेरिकार्प। गेहूं के अंदर में भी व्हाइट स्टार्फ को दिखेगा, वो भी उसका एंडोस्पर्म है। मक्के का आटा भी यहीं से बनता है एंडोस्पर्म से ही, और गेहूं का भी वहीं से बनता है। अब यहां तक हमने सीड के बारे में इतना सा ही जानना था, डिटेल समय जाननी नहीं है बिल्कुल भी। सर पूछिए सर, ग्रास फैमिली में हमेशा सीड मोनोकोट ही मिलेगी? हाँ ग्रास तो मोनोकोट्स में आते हैं, बेम्बू सबसे लार्जेस्ट ग्रास है आपकी, ये भी मोनोकोट्स में आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा डिपेंडेबल मेथड है क्योंकि इसके केस में हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए वाटर की, तो इसीलिए सीड ज्यादा डिपेंडेबल मेथड है क्योंकि ये इसके अंदर डोरमेंट एम्ब्रियो भी देखने को मिलता है जो कि लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, अगर इसको पानी भी ना मिले तब तक ये सीड खराब भी नहीं होती है, इसलिए हम इनके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगे इस मेथड से प्लांट पैदा करने में, ठीक है। सीड से प्लांट पैदा करने के ऊपर हम ज्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि इसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं इसको बचाए रखने के लिए हमें पानी देना ही पड़ेगा, जैसे कि अगर मुझे ब्रायोफाइट और ट्राइडोफाइट के केस में पानी जरूर देना पड़ेगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अब आप ये मत कहना कि सर सॉइल में तो बोना पड़ता है वहां तो पानी देना पड़ता है, देखो वो अलग केस है, मैं यहाँ डिपेंडेबिलिटी बात कर रहा हूँ कि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक मैं किस पे डिपेंड रहूंगा। इसके बाद पेरिनिशन, तो सीड जो होती है वो ड्राई होती है, उसका वाटर कंटेंट बहुत कम होता है उसके अंदर, और इसके पास एक डोरमेंट एम्ब्रियो होता है। डोरमेंट वो डोरमेंट पीरियड हम उसको बोलेंगे जब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही हो, तो इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म पॉज हो जाएगा, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म पॉज हो जाएगा, काम नहीं करेगा इस दौरान, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तभी वापस से उसी अपने नॉर्मल ग्रोथ शो कर देगा। और उसके पास एक थिक प्रोटेक्टिव सीड कोट भी मिलता है, सीड कोट में कौन कौन सी लेयर्स आती है बताओ, अभी बताया था इंटेग्यूमेंट, नहीं इंटेगमेंट से तो बनते हैं, इसके अंदर आती कौन कौन सी लेयर, जैसे आउटर इंटेगमेंट क्या फॉर्म करता है, टेस्टा एंड, हाँ टेस्टा एंड टैगमेंट, ठीक है, तो टेस्टा और टैगमेंट, ठीक है। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर पेरिनेशन थ्रू अनफेवरेबल पीरियड, और हम इसको बचाए रख सकते हैं अनफेवरेबल पीरियड के दौरान भी, खराब नहीं होते हैं सीड, ठीक है। इसके बाद डिस्पर्सल, सीड के पास कुछ एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती है, अगर मैं उसको होडल के बजाय होडल से उठा के मैं उसको पलवल भी ले जाऊं तो वहां भी ये सीड ग्रो कर जाएगी, अगर मैं उसके हैबिटेट को चेंज भी कर दूं, ठीक है, और सेम उसी तरह से उगेगी जैसे ये मेरे एरिया में उग रही थी, ठीक है। हाँ जी कंडीशंस डिपेंड करती है एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट कंडीशन सेम है और हैबिटेट अलग अलग है तब भी ये क्या हो सकती है, डिस्पर्स हो सकती है, मतलब न्यू प्लांट पैदा कर सकती हैं जैसे यहाँ पैदा कर रहे हैं। इसके बाद सीड के पास कुछ अपना रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलेडॉन्स फंक्शनल, जैसे कि डाइकॉट्स में था, और एंडोस्पर्म की फॉर्म में भी, सॉरी एंडोस्पर्म की एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं जिनको हम, तो एंडोस्पर्म सीड के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। तो इनके पास अपना रिजर्व फूड होता है जो कि यंग सीडलिंग तक तो पैदा करा ही सकते हैं जब तक कि वो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, देखो यहाँ इस केस में, देखो इस वाले केस में ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो गया है, अब ये जमीन से क्या ले सकता है, नरिशमेंट ले सकता, नहीं ले सकता, क्योंकि तो सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अब यहाँ से नरिशमेंट ले सकता है। तो ये सीड से सीड लेंगे और तब तक निकलेंगे जब तक ये क्या ना हो जाए, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, और उतना खाना ये लेकर के चलते हैं। अगर इनके पास उतना खाना नहीं है बाय एनी केस एनी हाउ, तो
पॉसिबल है कि उसके अंदर से अब प्लांट पैदा नहीं होगा, वो सीड हम खराब बोलेंगे, ठीक है ना, वो सीड खराब है या फिर वो वर्सेटाइल सीड नहीं है या फिर अच्छी सीड नहीं है। याद रखोगे अगर उस नॉर्मली कोई भी सीड है वो इतना रिजर्व फूड लेकर के चलती है कि वो उतनी सीडलिंग पैदा कर दे जब तक कि वो क्या ना हो जाए, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है। जैसे एक बार वो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो गई तो फिर उसको अपनी सीड से नरिशमेंट लेने की जरूरत ही क्या है, या फिर उसके पास तब तक वो नरिशमेंट खत्म भी हो चुका होता है और ये सीड फिर न्यूट्रिशनली जब इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो अब ये अपना नरिशमेंट सॉइल से ले लेगी। अच्छा, सीड कौन से प्रोडक्शन से बनते हैं, सेक्सुअल से, एसेक्सुअल से? हेलो, सेक्सुअल। हाँ, सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है नहीं आता है? आता है ना। तो देखो फिर अब ये जो सीड है इनके अंदर वेरिएशन आते हैं और आप देख सकते हो। अच्छा, वेरिएशन किस लिए जरूरी है? एक बार सीडलिंग्स की डेफिनेशन देना। सीडलिंग इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्मड बाय आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम कॉटिलेडॉन्स और एंडोस्पर्म। तो एक न्यू स्ट्रक्चर है या फिर आउटग्रोथ है जो कि सीड से अराइज होती है, ठीक है। इट इज आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम अ सीड आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट, ठीक है। और ये सीडलिंग जब निकलेगी ही क्या? सर, हम ये बोल सकते हैं कि सीडलिंग से प्लीम्यूलन रेडिकल निकल रहा है। सीडलिंग से प्लीम्यूलन रेडिकल, देखो बच्चे आपने जो ये बात कही प्लीम्यूलर रेडिकल, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के हिस्से हैं और एम्ब्रियो तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं ना। हाँ, आप ये बोल सकते हो प्लीम्यूल की एक्सटेंशन से बना है और रेडिकल मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस की एक्सटेंशन से बना है, आप ऐसा बोल सकते हो। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप रट भी नहीं रहे हो, मुझे पता है, अच्छी बात है, आप नई डेफिनेशन क्रिएट करने की सोच रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन प्लीम्यूल और रेडिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम सीडलिंग की बात करेंगे तो प्लीम्यूल और रेडिकल से ही तो सीडलिंग निकल रही है, और निकलेगी कब, जब इसको और ज्यादा क्या मिलेगा, कॉटिलेडॉन से नरिशमेंट मिल चुका होगा, जब यहाँ से इसको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, तभी तो ये ग्रो करेगा। समझ रहे हो पॉइंट को, नहीं समझ रहे? क्लियर है? ओके सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है वेरिएशन, क्योंकि ये जो सीड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है तो इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेंगे ही, एंड वेरिएशन जरूरी क्यों है, एडेप्टेशन के लिए, जिससे कि वो खुद को ढाल पाए डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हो तरह तरह के राजमा मिलते हैं मार्केट में, देखे होंगे ना, तरह तरह के राजमा मिलते हैं मार्केट में। तो ये जो वेरिएशन आया है क्यों आया है, क्योंकि ये सीड्स कैसे बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। समझ में आ गया ये वेरिएशन वाला पॉइंट? क्लियर? ओके, चलो आगे बात करते हैं। थैंक यू, चलो आगे बात करते हैं स्टोरेज की। अब देखो सीड को हम स्टोर भी कर सकते हैं बाद में यूज में लाने के लिए, ठीक है, और ये हेल्पफुल होते हैं सप्लाई ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर, जिससे कि फूड की सप्लाई चलती रहे थ्रू आउट द ईयर, टू ओवरकम ड्रॉट एंड फेमिन कंडीशन। जैसे अगर कोई बाढ़ आ गई, हमारी फसल खराब हो गई, तो क्या अब वो फसल कभी पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि उस फसल से तो हमें बीज मिलते हैं और उससे तो नए नए पौधे पैदा होते हैं। तो अगर हम इन बीज को स्टोर ही नहीं कर पाते तो हम ऐसी कंडीशन से कभी भी उभर नहीं पाते, सूखा पड़ जाना, ठीक है ना, बाढ़ आ जाना, कैसे भी हमारी फसल का लॉस चला जाना, तो उससे हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हमने स्टोरेज किया हुआ है सीड्स का, एक तरह से अगर हमने पैसे को भी कहीं पे स्टोर कर रखा है तो, ठीक है। अगर हमने पैसे कहीं बचा रखे हैं तभी तो लॉकडाउन में लोग जी पा रहे हैं जिनका बिजनेस ठप पड़ा है। क्लियर है? स्टोरेज इसलिए जरूरी होता है, समझ गए ये पॉइंट को, स्टोरेज इज नेसेसरी। स्टोरेज के बिना एडेप्टेशन भी नहीं होगा फ्यूचर में, अगर कोई भी कंडीशन आ गई अनफेवरेबल कंडीशन, तो वहां पे हमें जो स्टोरेज हमने किया हुआ है वही हमें बचाएगा। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड एग्रीकल्चर में। खेती में बीजों का तो बहुत योगदान होता है, आप सभी जानते होंगे। क्लियर है? नहीं है? तो सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमन। हाँ, ये तो आप जानते हैं, एग्रीकल्चर तब से जब से ह्यूमन ने खाना शुरू किया है। ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इनको नोट्स में लिख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा ये तो खत्म हो गया है एग्रीकल्चर मतलब सीड्स वाले पॉइंट्स, मतलब सीड का डेवलपमेंट क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं आपके
फ्रूट फॉर्मेशन की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन की। ये दिख रही है सभी को स्लाइड, दिख रही है फ्रूट फॉर्मेशन वाली? यस सर। ओके चलो आगे बात करते हैं। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, अब देखो ये है पोस्ट फ्लैश इवेंट में हम जान रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो देखिए, हाँ जी, फ्रूट इज अ सीड कंटेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट डेवलप्स फ्रॉम ए फर्टिलाइज ओवरी। तो फ्रूट वो हिस्सा है जो कहां से डेवलप होता है, फर्टिलाइज ओवरी से डेवलप होता है। ऑफन फ्रॉम अदर टिश्यूज दैट सराउंड अस, और कभी कभी ऐसे टिश्यूज भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं जो कि ओवरी को सराउंड कर रहे हैं, जैसे कि थैलेमस। सब जानेंगे हम, थैलेमस से भी कई बार फ्रूट बन जाते हैं, ठीक है ना, इंटेगुमेंट्स वगैरह वगैरह, अलग अलग चीजों से भी फ्रूट बन जाते हैं। कैसे कैसे बनते हैं वो हम जानेंगे। तो फ्रूट क्या है, एक प्रोडक्ट है फ्लावर का, क्योंकि ये प्रोडक्ट है फ्लावर का तो ये सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलेगा, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है, फ्रूट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं बस इतना बता रहा हूँ, फ्रूट फर्टिलाइज ओवरी से ही पैदा हो जाता, फर्टिलाइज ओवरी से, और कई बार फर्टिलाइज ओवरी के साथ साथ ऐसे भी ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, जो कि इसको सराउंड करते हैं, इस ओवरी को सराउंड करते हैं। सभी जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट में। फिलहाल मैंने ये भी बताया है कि फ्रूट जो है वो प्रोडक्ट है फ्लावर का, और इसी वजह से इसे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पेरिकार्प की। पेरिकार्प क्या है, कार्प मतलब फ्रूट, पेरी मतलब जो उसको सराउंड कर रहा है। तो ऐसी वॉल्स जो कवर करती हैं फ्रूट को, उनको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। अब देखो सीड को कवर करती है, एक्चुअल में सीड जो है सीड को कवर करती है फ्रूट की लेयर्स, क्योंकि ओव्यूल को कवर करता है ओवरी, तो ऐसे ही यहाँ पे सीड को कौन कवर कर रहा है, सीड फ्रूट की लेयर्स, जो कि है तीन लेयर्स होती है, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है ना। अंदर में देखो सीड है और इसके ऊपर है एंडोकार्प, और फिर है मीजोकार्प, और फिर है एक्सोकार्प। नाम से पता चल रहा होगा कौन सा अंदर वाली लेयर है, कौन सी बीच वाली लेयर है और कौन सी बाहर वाली लेयर है, ठीक है ना। और इन तीनों ही लेयर्स को हम पेरिकार्प बोलते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब देखिए ये क्या है, एपिकार्प को हम स्किन ऑफ फ्रूट बोलते हैं, मीजोकार्प मिडिल रीजन होता है, नॉर्मली फ्लैशी देखने को मिलता है, फ्लैशी, ठीक है ना, फ्लैशी गूदेदार। और इनर वाली जो लेयर है वो सराउंड करती है सीड को, अंदर वाली लेयर सीड को सराउंड करेगी, ठीक है। अब सुने, बाहर वाली लेयर को स्किन ऑफ फ्रूट बोलते हैं, जिसको छिलका बोलते हैं तुम लोग, और बीच वाला हिस्सा बोलते हैं जिसको तुम खाते हो नॉर्मली, जैसे कि मैंगो की बात कर रहा हूँ मैं, मैंगो में आप बीच वाले हिस्से खाते हो, और फिर एक गुठली आती है ना, एक आता है जिसको आप गुठली बोलते हैं, ये एंडोकार्प होता है जो कि सख्त होता है, ठीक है, और इसके अंदर मिलती है आपकी सीड। अब मैंगो तो खाए होगा, उसकी गुठली खोली है कभी? तो इसको एंडोकार्प बोलते हैं, और एंडोकार्प के अंदर में होती सीड, याद रखना एंडोकार्प सराउंड करता है सीड को, ठीक है। अब देखो नॉर्मली डिफरेंशिएशन यहाँ आता है कि कुछ कुछ फ्रूट्स में तो तीनों ही लेयर्स को हम खा जाते हैं, कुछ फ्रूट को हम पूरा ही खा जाते हैं, बीज वगैरह सब कुछ खा जाते हैं, और कुछ फ्रूट में सिर्फ मीजोकार्प को हम खाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ वेरिएशन है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं कोकोनट का एग्जाम्पल लू यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप, बाहर है आपका एक्सोकार्प जिसको आप एपिकार्प बोल सकते हैं, फिर अंदर में है मीजोकार्प, ये हस्क है, देखा हुआ ना आपने नारियल का, जिस बाल बाल से होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, इसको भी हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। कोकोनट में ना तो हम एपिकार्प को खाएंगे, ना ही मीजोकार्प को खाएंगे, और फिर आता है एक सख्त सा जिसको फोड़ते हैं, फिर उसको बोलते हैं एंडोकार्प, ना ही हम एंडोकार्प को खाते हैं। फिर हम खाते क्या है इसका, हम खाते हैं इसका एंडोस्पर्म, ठीक है ना, हम इसके एंडोस्पर्म को खाते हैं। क्लियर है, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास, देखो फटाफट। सर एंडोकार्प और इसके एंडोस्पर्म के बीच में एक और ब्राउन सी लेयर होती है जो एंडोस्पर्म के जस्ट बाहर होती है, वो कौन सी होती है? अरे वो तो सीड की लेयर हो गई ना, क्लियर है नहीं है?
अब एंडो, जब मैंने बोला मैंने जब ये बोला है कि एंडोस्पर्म को हम खाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो एंडोस्पर्म के बाहर वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी? एंडोस्पर्म के बाहर तो सीड की ही लेयर्स मिलती है ना, अभी भी तो हमने सीड पढ़ा है। चलो और बात करते हैं यहाँ पे ऑरेंज की। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये है एक्सोकार्प, जो ऑरेंज जिस लेयर दिख रही होगी आपको, ऑरेंज कलर की लेयर। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये लोडिंग चल रही भाई। टेक्निकल एरर आ गया, आप देख सकते हो, आपको लोडिंग दिख रही है, टेक्निकल एरर आ गया था। अब क्या ही बताऊं, इतनी अच्छी क्लास चल रही थी, टेक्निकल एरर आ गया। ये फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, अब देखो कितना टाइम रहेगा, बहुत ही कम टाइम रह गया है। मैं रिकॉर्डिंग